हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के बहुत जबरदस्त फॉर्मूले। एक होता है पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा होता है एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं सारी चीजें पहले से ही लिख कर रखा हूं। जैसे पहला हमारा है पीवी। पीवी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम इसके द्वारा समझते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रेट यदि आप 8% से कोई भी लोन लेते हैं और 2 साल के लिए लेते हैं और आपका NPER मतलब कि उसकी कुल मिला के 20 किस्त बनती हैं, ओके, तो जो हमारी लोन अमाउंट रहेगा वो लोन अमाउंट कितना रहेगा उसके द्वारा हम PV फॉर्मूले का यूज करेंगे और जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहां से समझते हैं वो चीज कैसे होता है, राइट। तो वह कैलकुलेट करेगा। अब यदि मैं इस टेबल को बहुत अच्छे समझाता हूं तो समझने का प्रयास करना। रेट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोन लिए हैं उसमें 5% दे रहे हैं, 2 साल के लिए हमने लोन लिया है। NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड, हमारी कुल कितनी किस्त बनी हुई है? 12 किस्त बनी हुई है। और PMT का मतलब ये होता है कि हम 1 महीने में कितने रुपए जमा कर रहे हैं, तो 1000 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इसका कैलकुलेशन ये करेगा कि आपकी कुल लोन है कितनी। तो यहां पर लगाएंगे इक्वल, मैं दिया PV, टैब बटन प्रेस किया। अब यहां पर लिखा हुआ है रेट, रेट को मैं सिलेक्ट करूंगा 5 को, फिर यहां पर डिवाइडेड बाय 12। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को 1 महीने की किस्त देना है, महीने में किस्त देना है। और यदि मैं बटे में 12 नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ईयरली किस्त पे कर रहा, ओके। इसके बाद हमको क्या दे रहा? NPR। NPR मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड। मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट किया, फिर दिया कॉमा, यहाँ पर PMT, 1 महीने में कितनी जमा कर रहा? 1000 रुपए, ओके। फिर हमको टाइप आया है, टाइप में हमको 0 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ कोष्टक बंद और एंटर। तो यहाँ पर क्या आया? माइनस में वैल्यू आई। तो माइनस में जो वैल्यू आई है इसको हटाने के लिए हम फॉर्मूले के पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारा पॉजिटिव आया। अब 11,681 रुपए की हमारी लोन है टोटल, लेकिन यहाँ पर जो 5% है वो परसेंट क्या हुआ है? लेस हो गया है। यदि मैं यहाँ पर 0% कर दूं, 0%, अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर कुल कितनी लोन हुई मेरी? यहाँ पर हुई 12,000 की। क्यों हुई? 12 मेरी टोटल किस्त 12 थी, ओके। PMT क्या है यहाँ पर? 1 किस्त में 1000 रुपए की दे रहा हूं तो 12 किस्त कितने हुई? 12,000। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होता है ये क्या कैलकुलेट करता है कि हमारी टोटल लोन कितना है, मतलब लोन ज्ञात करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का यूज किया जाता है। यदि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड, यदि मैं बोलता हूँ मेरी 15 किस्त है, अब ये बताइए कि लोन कितने का बनेगा? तो 15,000 का बनेगा। लेकिन यदि मैं PMT का मान बढ़ाता हूं, मैंने बोला 1540 रुपए मैं पर मंथ चुकाता हूं, मैं 15 किस्त चुकाऊंगा तो मेरा जो लोन रहेगा वो कितने रुपए का रहेगा? तो आपको यहां पर आ गया 23,100 रुपए। और यदि यहां पर परसेंट देता हूं कि 10% और एंटर किया तो यहां पर कुछ पैसे घट चुके हैं, ओके, 10% के हिसाब से जितना ब्याज हुआ है वो माइनस हुआ है। यहां पर केवल लोन अमाउंट बताया जाएगा ना कि ब्याज सहित बताया जाएगा, राइट। जितना ब्याज बना 23,000 का उतना क्या हुआ हमारा? घट गया और इससे माइनस हो गया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या बताएगा कि हमारा लोन कितने रुपए का पास हुआ है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है NPER, राइट। दूसरा क्या है? NPER। अब NPER करता क्या है उसमें थोड़ा चलते हैं। नंबर ऑफ पीरियड ये बताता है कि यदि आप 8% आपके लोन में लग रहा है 3 साल तक के लिए, ओके, और प्रेजेंट वैल्यू मेरी 65,000 रुपए लोन है, मैं 1 महीने का 7500 रुपए दे रहा हूं तो मेरे को टोटल किस्त कितनी देना पड़ेगा? यहां पर हम किस्त की संख्या ज्ञात की है और यहां पर हम लोन ज्ञात की है कि लोन कितना होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? किस्तों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो किस्तों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का नाम है NPER। तो मैं लिखूंगा इक्वल NPER और दिया टैब। यहां पर हमको रेट हमारी 8% डिवाइडेड बाय 12 क्यों करूंगा? क्योंकि वो मंथली हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे तो वो ईयरली होगा, राइट। PMT हमने कितना दिया? मैंने दिया
7500 रुपये, कॉमा किया, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 65000 रुपये, मतलब मेरी लोन। ओके, यहाँ पर जीरो प्रेस किया, कोष्टक बंद और एंटर किया, तो यहाँ पर कितना माइनस आ रहा। माइनस को हटाने के लिए मैं फॉर्मूले के पहले माइनस लगा दूंगा, अब एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर प्लस आ गई, मतलब 8.5 किस्त मेरी बनेंगी, 8.5 किस्त बनेंगी जब मैं 7500 रुपये एक महीने का पे करूंगा। यदि मैं बोल रहा कि यहाँ पर मैं एक महीने का 1500 रुपये दूंगा तो टोटल किस्त कितनी बन गई, 38 किस्त बन गई। मतलब यहाँ पर आप यदि कोई लोन अमाउंट पास कराते हैं और एक महीने का आप बोलते हैं कस्टमर से आप कितना दे पाओगे, तो यहाँ पर किस्त ऑटोमेटिक निकल आती है, राइट। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैं एक महीने का 700 रुपये दे पाऊंगा, एंटर प्रेस किया तो कितनी टोटल 72 किस्त हो गई। यदि यहाँ पर मैं 12000 रुपये देता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो टोटल मेरी क्या हुई, 5 किस्त बनी, राइट। और भी वीडियो देखना हो तो मैं युवा कंप्यूटर स्टडी में यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, उसमें DCA, PGDCA, CPCT सारी वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।